हेलो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे आप सब लोग फ्रेंड्स? आज मैं न्यूमरोलॉजी बेस्ड टैरो रीडिंग करूँगी। जैसे जिनका बर्थ डेट जैसे 1, 2, 4, 7, 10, 11, 13, 16, 19, 20, 22, 25, 28, 29 पैड होता है उनका ये पाइल है। सेकंड जिनका बर्थ डेट 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 पे ऐड होता है उनका ये पाइल है। और जिनका बर्थ डेट 5, 8, 14, 17, 23 और 26 पे ऐड होता है उनका पाइल ये है। मैंने बहुत ज़्यादा कार्ड्स एक साथ में लिए ताकि आप लोग ना रीडिंग अच्छी हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग चूज़ कर लीजिए कौन सा पाइल, आपका बर्थ डेट कौन सा, आप चाहे तो आपके बर्थ डेट के हिसाब से भी देख सकते हैं, चाहे तो अपने पार्टनर के बर्थ डेट के हिसाब से भी देख सकते हैं। जो आपको रेजोनेट कर रहे हैं आप वो दोनों देख सकते हैं आपके, तो आपको क्लैरिटी मिल सकती है कि कौन से में आपका ज़्यादा आपका आ रहा है, रीडिंग प्रॉपर आ रहा है। और फ्रेंड्स, न्यूमरोलॉजी एक ऐसी साइंस है जिसमें हम हमारे हर नेम का हर नंबर पे एक नेम पे हर लेटर पे एक नंबर होता है, उसकी हर एक वाइब्रेशन होती है। अगर वो बर्थ डेट आपके नेम से ऐड नहीं होती है, मतलब अगर आपका नेम आपके बर्थ डेट से ऐड नहीं होता है, मैच नहीं करता है, तो हमारे लाइफ में हम जो सक्सेस चाहते हैं, जो हमारी मैनिफेस्टेशन होती है, वो हमारी पूरी होने में बहुत टाइम लगती है, बहुत हमको स्ट्रगल करना पड़ता है। लेकिन अगर वही हम नेम करेक्शन कर देते, एक अच्छे नेम पे लेके आ जाते हैं, तो हमारी सक्सेस हमको बहुत जल्दी मिलने लग जाती है। मोस्टली न्यूमरोलॉजी में, न्यूमरोलॉजी नेम चेंज करेक्शन के बाद में मोस्टली लोगों को 6 मंथ्स के अंदर रिजल्ट मिलता ही मिलता है, गारंटेड है, बोल सकते हैं रिजल्ट मिलता ही मिलता है। किसने लोगों को 1 मंथ के अंदर भी रिजल्ट मिलना चालू हो जाता है, किसी को 3 मंथ्स के अंदर भी रिजल्ट मिलना चालू हो जाता है। ऑल डिपेंड्स कि आपके कर्मा कैसे है, क्या है। लेकिन जब हम अच्छे नंबर पे लाते हैं तो डेफिनेटली एक अच्छा रोल प्ले करता है ये नंबर, बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। जैसे मैंने खुद का अपना चेंज किया था कितने साल पहले, तो मेरा खुद का मेरा रिज़ल्ट 140 डेज बोल सकते 40-42 के अंदर रिज़ल्ट आना स्टार्ट हो गया। जो काम बहुत सालों से अटके पड़े थे वो काम होना शुरू हो गए। मतलब इससे मतलब मैजिक है, दैट एक मेडिसिन है जो हम देते हैं, मेडिसिन है एक तरह से। आपका नेम चेंज मतलब एक मेडिसिन है जो आपको रिजल्ट देता है, इट्स सो पावरफुल। सो आज मैं सब नंबर्स के आपको ना खूबियाँ भी एक्सप्लेन करूँगी और साथ में रीडिंग स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। आप लोग को ये रीडिंग कैसे लगे वो ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में, और वीडियो फॉरवर्ड करके मत देखिए। आप लोग देखिए कि मैं क्या इसमें इस वीडियो में मैं बहुत कुछ बताने वाली हूँ, तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। बाकी के पाइल्स मैं साइड में रख देती हूँ। पहला जिनका बर्थ डेट 1, 2, 4, 7, 10, 11, 13, 16, 19, 20, 22, 25, 28 और 29 पे ऐड हो रहा है उनकी रीडिंग में पहले कर रही हूँ। ओके, लेट्स स्टार्ट। जिनकी जो बर्थ डेट 1 और 2 होती है ना, 1, 2, 4, 7, ये एक फैमिली ऑफ नंबर्स है। इनमें जो 1 नंबर वाले होते हैं उनकी लीडरशिप क्वालिटी होती है, हमेशा लीडरशिप होती है। जैसे सन, जैसे उनको सन रूल करता है, तो लीडरशिप क्वालिटीज़ होती है। 2 नंबर वाले होते हैं, उनमें मून क्वालिटीज़ होती है, बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, हर चीज़ ना हार्ट से ज़्यादा सोचते हैं, इस तरह की उनकी एनर्जी होती है। 4 नंबर के लोग होते हैं, उनको ना राहु रूल करता है, तो वो सब काम क्या अलग तरीके से करते हैं। को बोलते हैं ना सीधे तरह से कान पकड़ने के, तो उल्टे तरीके से कान पकड़ते हैं, ये राहु उस तरह के टाइप के लोग होते हैं। 7 नंबर के लोग क्या होते हैं, या तो बहुत ज़्यादा सेक्सुअली एक्टिव होते हैं, या तो फिर बहुत ज़्यादा है ना स्पिरिचुअल होते हैं। उनमें दोनों क्वालिटीज़ होते हैं। अगर पहले बहुत ज़्यादा सेक्सुअली एक्टिव होंगे तो बाद में लाइफ में जाके बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाएंगे, ऐसे टाइप के लोग होते हैं। 7 नंबर को केतु रूल करता है, तो ये कहते हैं। और 1, 2, 4 और 7 बहुत ज़्यादा अटैच्ड है, 1 नंबर और 4 नंबर एक दूसरे को खींचते हैं, और 2 नंबर और 7 नंबर एक दूसरे को बहुत स्ट्रांगली खींचते हैं। आप लोग को समझने आ रहा होगा कि मगर कि न्यूमरोलॉजी कितनी कितना बहुत बड़ा साइंस है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके फ्रेंड्स, पहले जब ये 1, 2, 4, 7 जिनका बर्थ डेट ऐड होता है, या जिनके पार्टनर का बर्थ डेट ऐड होता है, तो 4 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ सॉर्ड्स और 10 ऑफ पेंटिकल्स, जिनके भी ये कार्ड्स मतलब है, वो पर्सन है जो आपके पर्सन है, वो भी 4 ऑफ पेंटिकल्स टाइप के, ऐसे बोल सकते थोड़े माइजर टाइप के पर्सन है वो थोड़ा। और वो 4 ऑफ दोनों में 4, 4, और ये देखो 4 एक स्टेबिलिटी का कार्ड होता है, 4 एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट का कार्ड होता है। लेकिन 4 इसमें तो कोई पर्सन कैसे रेस्ट और रेजुनेट कर रहे हैं, मैं खुद आपके पर्सन ये महीने में हो सकता है बहुत ज़्यादा रेस्ट करे, रेजुनेट करे, और है ना फैमिली से इतना थोड़ा अपने आप को थोड़ा डिटैच रखे, इस तरह से मुझे ऐसे पर्सन की एनर्जी लग रही है। कि 4 ऑफ पेंटिकल्स सबसे फैमिली वाले सब
बहुत पसंद है उनको, लेकिन थोड़ा उनसे दूर रहना चाहते हैं कि अभी हाँ कि दूर रहूँ, या फैमिली का कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, शादी का डिसीजन लेना चाहते हैं, तो वो भी उसके लिए बहुत सोच विचार कर रहे हैं, ऐसे बोल सकते हो, क्योंकि वो इंसान बहुत ज़्यादा है ना रेस्ट एंड रिजोनेट में जा रहा है, बहुत ज़्यादा सोचने में लगा हुआ है, और ना बहुत ज़्यादा ये सब डिसीजन जो भी लेके रखे अपने दिल के पास होल्ड करके रखे, जरा भी बताना नहीं चाहते हैं। अगर आप भी इस तरह के पर्सन हो तो पता नहीं, आप भी अपनी बात जल्दी से किसी को बताते नहीं होंगे, बहुत ही क्लोज होंगे वो उन्हीं को बताएंगे, इस तरह की आपकी एनर्जी है। अरे आपको पहले बताते होंगे तो अभी कम कर दिया होगा, इस तरह की आपकी एनर्जी चल रही है, आपके पर्सन की भी सेम एनर्जी चल रही है, और फैमिली उनकी है तो फैमिली में बाकी सब कुछ ठीक है, हो सकता है कुछ घर में कुछ छोटा मोटा कोई बर्थडे सेलिब्रेशन हो, ये भी मुझे काफ़ी पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है आपके पर्सन के कार्ड्स के अंदर। क्वीन ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स और टू ऑफ सोर्स, देखो आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा इमोशनली मिस कर रहे हैं। एस ऑफ कप्स के एनर्जी आ जाना मतलब इंसान बहुत ज़्यादा इमोशनल होना, आपके लिए बहुत ज़्यादा लव फील करना, बहुत ज़्यादा लव फील करते हैं आपके लिए, बहुत प्यार भी है उनके मन में आपके लिए, लेकिन आपको एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो उनको पता नहीं किस तरह से एक्सप्लेन करूँ या किस तरह से आपको बताए, वो उनको समझ नहीं आता है। क्योंकि देखो ये यहाँ पे दिख रहे हैं टू क्रोज उनके सर पे, ऐसे लगता है दो लोग उनको, मतलब वो दो लोगों के बीच में या तो फंस गए हैं, या दो लोग उनको बहुत ज़्यादा है ना डायरेक्शंस देते हैं कि आप ऐसे करो या वैसे करो, तो वो सब चीज़ उनकी खुद की आँख पे पट्टी बंध रही है। वो देखो ये इंसान पट्टी खोलने की कोशिश कर रहा है, तो ये पर्सन अपनी आँखों पे जो पट्टी बंधी हुई है ना उसको उतारेंगे, और ये जो लोग उनको उनको कुछ लोग ऐसे हो सकता है कि उनको हेल्प भी कर रहे हो उनकी आँख की पट्टी उतारने के लिए, आप ऐसे ये भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो स्ट्रिंग्स, देखो इस तरह से वो स्ट्रिंग्स निकालने की कोशिश कर रहा है ये पर्सन इनकी, तो हो सकता है कि कोई इनको ऐसा गाइडेंस मिले या कोई इनको ऐसा पर्सन इनकी लाइफ में हो जो इनको गाइडेंस दे रहा हो भी कि आप ना देखो अपनी आँखों से देखने की कोशिश करो, उस तरह के मुझे कुछ लग रहा है। लेकिन एस ऑफ कप्स मतलब बहुत स्ट्रांग लव फील करते हैं, बहुत ही स्ट्रांग है एनर्जी है ये, क्योंकि एस ऑफ कप्स मतलब एक परमानेंट ऑफर भी देना आपका कार्ड होता है, लेकिन इस तरह से फोर ऑफ सोर्स की एनर्जी में तो ऑफर तो मुझे डाउटफुल लगता है कि ऑफर 100% दे ही देंगे आपको, कुछ लोगों के केस में दे भी दे, लेकिन बहुत ज़्यादा लव फील करें, हो सकता है आप भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो इस मंथ में, बहुत ज़्यादा मिस करो अपने पर्सन को, ये मुझे बहुत स्ट्रांग पॉसिबिलिटी लग रही है आप लोगों की। देखो आपके कर्सन की एनर्जी देखो कितनी, ये सारे कार्ड्स एक साथ में खोलती हूँ, ये बाद में बैक एंड फोर्थ इंट्यूशन मैनिफेस्टेशन एंड किनरेड पार्टनरशिप। आपके पर्सन डिसीजन ले ही नहीं पाते, बैक एंड फोर्थ। देखो इंसान कभी आगे दो कदम आगे चलता है वापस पीछे हो जाता है, आगे चलता है पीछे हो जाता है, इस तरह से ये पर्सन की एनर्जी है। बैक एंड फोर्थ, जब तक ये बैक एंड फोर्थ से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक वो डिसीजन नहीं ले पाएंगे। ऐसा नहीं कि डिसीजन नहीं लेना चाहते हैं, डिसीजन डेफिनेटली लेना चाहते हैं, लेकिन आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं किसी वजह से, या तो कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, या सोचते जैसे आगे बढ़ने का सोचते हो तो हो सकता है कोई चीज़ पीछे खींचती हो तो वो उनको रोक लेती है। इंट्यूशन एंड मैनिफेस्टेशन, वो उनका इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग हो रहा है, हो सकता है आपका भी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग हो रहा है, जो लोग इनर वर्क कर रहे हैं डेफिनेटली उनका इंट्यूशन पावर डेफिनेटली स्ट्रांग होगा, इंट्यूशन पावर स्ट्रांग हो रहा है, मैनिफेस्टेशन वो डेफिनेटली मैनिफेस्ट कर रहे हैं किंड्रेड पार्टनरशिप, ये रिलेशनशिप वो आपके साथ में डेफिनेटली मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, दोनों जन मैनिफेस्टेशन में लगे हुए, स्ट्रांग मैनिफेस्टेशन में लगे हुए हो, लेकिन ये पर्सन में अभी थोड़ा वो करेज जो बोलते हैं ना, वो करेज चाहिए, वो फियर उनके माइंड से या दिल से निकलना बहुत ज़रूरी है, तभी वो ये बैक एंड फोर्थ से बाहर निकल सकेंगे और आपकी तरफ आगे बढ़ के ये एक रिलेशनशिप को एक नई मुकाम नए तरीके से स्टार्ट कर सकेंगे, मुझे ऐसे लग रहा है आपके पर्सन के एंट्री। देखो उनका थ्रोट चक्रा, सोलर प्लेक्सस चक्रा, तीनों चक्रास के ही कार्ड आए उनके, देखो और थर्ड आई चक्रा, मैं आपको बोल ही रही हूँ उनका इंट्यूशन, थर्ड आई चक्रा उनका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो रहा है, वो मैनिफेस्टेशन में लगे रहे आपके पर्सन, हो सकता है आपका इंट्यूशन भी स्ट्रांग हो रहा है, आप भी मैनिफेस्टेशन में लग रहे हो, उनको अभी भी फियर है इसलिए वो बैक एंड फोर्थ हो रहे हैं, वो उनका फियर अभी भी बहुत है इसलिए वो आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, और इसलिए उनका थ्रोट चक्र एक्टिवेट नहीं हो पा रहा और आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करेंगे। जैसे ही उनका ये बैक एंड फोर्थ खत्म होगा, जब फियर फैक्टर खत्म हो जाएगा, करेज आ जाएगा उनके अंदर, वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तो वो आपके ना एक्सप्रेस करेंगे आपका लव अपने आपकी तरफ, वो अपना लव आपको आके बोलेंगे हाँ कि दिस इज़ माई फीलिंग, दिस इज़ वॉट आई फील फॉर यू, इस तरह से आके आपको बोलेंगे।
आपके पसंद का बार बार आ रहा है, इंट्यूशन का कार्ड, सिक्स चक्र उनका, आर्क एंजल, मैटेड्रॉन उनको डेफिनेटली इंट्यूशन पावर दे रहे हो। जैसे बोलते ना उनकी आँख की बत्ती जो बंद हो गई थी, वो बोलते ना बाघ की आँख की बत्ती, इसलिए अभी खुलने का, पट्टी खुलने का वक्त आ रहा है आपके पर्सन का, इसलिए उनका इंट्यूशन पावर भी स्ट्रांग हो रहा है आपके पर्सन का। आपके पसंद का इंट्यूशन पावर इसलिए स्ट्रांग हो रहा है कि उनको एंजल्स हेल्प कर रहे हैं, उनकी आंखों पे जो पट्टी बंधी हुई हो एंजल्स खोलने में मदद कर रहे हैं और उनको डेफिनेटली इसमें विक्ट्री मिलेगी आपके पर्सन को। ये पट्टी खोलने में, उनकी पट्टी उतरने में डेफिनेटली विक्ट्री होगी, होगी ही, ऐसा हो ही नहीं सकता है विक्ट्री नहीं होगी, विक्ट्री कार्ड आया तो होगा ही। और वॉकिंग अवे आपके पर्सन मतलब ये डोर ओपन करके आपकी तरफ बढ़ेंगे, जो उन्होंने काफ़ी टाइम से क्लोज करके रखा था या आपको ब्लॉक करके रखा था। बहुत लोगों को जिनको उनके पार्टनर ने ब्लॉक करके रखा है या उनसे बातचीत नहीं कर रहे, तो वो एक विंडो ओपन करेंगे आपके लिए कि ताकि आप उनको कुछ मैसेज कर सको या उनसे बातचीत कर सको। इस तरह से मुझे आपके पर्सन की एनर्जी लग रही है। अभी हम देख रहे थे एंजल्स, सारे एंजल्स कार्ड का, आपके चक्र आपके पर्सन कौन से चक्र पे वर्क करने के लिए गॉड बोल रहा है आपको, डिटर्मिनेशन, आपको अपने डिटर्मिनेशन से अपने काम करना है। ये जब कार्ड आता है ना, इसमें क्या होता है, ये जो फिश है, शार्क्स है, ये बहुत दूर दूर से होते, इतने ठंडे पानी में, मतलब जहाँ हम चलना भी मुश्किल है, सांस लेना भी मुश्किल है, वहाँ पे से इतनी दूर से वो ठंडे पानी में आके ये अपना भोजन भोजन लेके जाती है। मतलब इतने इतने स्ट्रांग डिटर्मिनेशन होता है ये शार्क्स और फिश का। तो उसी तरह से आपको अपने डिटर्मिनेशन, आपको अपने डिटर्मिनेशन से हटना नहीं है, अपने गोल से हटना नहीं है, आप अपने गोल पर लगे रहिए, आपको एंजल्स बोल रहे हैं। देखो आपके कार्ड्स क्या खुल रहे हैं, आपके कार्ड खुल रहे हैं हनीमून, पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स एंड अट्रैक्शन। डेफिनेटली आपके जो भी रेड फ्लैग्स आपको दिखाई दे रहे हैं या तो जो प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में आ रहे हैं, आपके पार्टनर आ भी जाए आपसे बात करने, तो ऐसे नहीं कि एकदम ही उनसे बातचीत करने लग जाए और सब चीज़ खोल के अपनी बात उनके रख दे, उनके सामने रख दे। आपको भी रेड फ्लैग्स देखना है कि कहाँ कॉशन के साथ में बात करना है। साइंस आर कॉशनिंग यू, आपको यूनिवर्स साइंस देगा कि किस वक्त कैसी बातें करनी है, किस वक्त कैसे बोलना है। जैसे मैं अपनी पर्सनल रीडिंग करती हूँ लोगों की, कुछ लोग मुझसे जैसे पर्सनल रीडिंग मंथली इतने एक ही मंथ में साथ साथ आठ आठ रीडिंग्स करवाते हैं, तो वो लोग को मैं गाइडेंस देती हूँ जैसे लाइफ कोच की, जैसे कि आपको इस वक्त ये बात करनी है, इस वक्त ये बोलना है, तो उनकी लाइफ बहुत ट्रैक पे आ रही है क्योंकि एक तरह से लाइफ कोचिंग जैसे करती हूँ मैं। तो उनको बताती हूँ क्या एक्शन लेना है, क्या बोलना है, उस तरह से आपको भी कोई ना कोई गाइडेंस देने वाला मिल जाएगा। आपके पर्सन को डेफिनेटली स्ट्रांग अट्रैक्शन है आपकी तरफ और आपको भी बहुत स्ट्रांग अट्रैक्शन है आपके पर्सन के लिए। ये अट्रैक्शन म्यूचुअल है, वैसे बोल सकती हूँ म्यूचुअल अट्रैक्शन है। अगर वो एक्सप्रेस नहीं कर रहे अभी तक तो एक्सप्रेस करेंगे और डेफिनेटली मुझे आपके पर्सन बोले सिक्स ऑफ ये सोर्स का जैसा कार्ड होता है हनीमून का, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो डेफिनेटली आप लोग रफ वेदर से बाहर निकलोगे, हो सकता है आप लोग कहीं बाद में जब पैचअप हो जाए तो कहीं बाहर घूमने जाओ। इस ट्रैवलिंग मुझे डेफिनेटली दिखाई देती है आप लोगों की, आप लोग ट्रैवलिंग पे जाते हुए दिखाई दे रहे हो। एंजल्स आपको बोल रहे हैं कम्युनिकेट क्लियरली, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स एंड फॉरगिवनेस। आपके पर्सन डेफिनेटली कम्युनिकेशन आपसे करेंगे और बहुत अच्छी तरह से कम्युनिकेट करेंगे और बहुत साफ साफ बोलेंगे और आप भी जो भी बोलोगे साफ साफ बोलोगे, आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छे से होगा। मुझे डेफिनेटली आप लोग का कोई हेल्प आते हुए दिख रही है, फ्रेंड्स की तरफ से या रिलेटिव्स की तरफ से आपको कुछ हेल्प मिल सकती है। और यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं, एंजल्स आपको बोलते हैं फॉरगेट एंड फॉरगिव, फॉरगेट एंड फॉरगिवनेस बहुत बड़ी मेडिसिन होती है, एक ही रात में प्रैक्टिस नहीं होती है, बहुत इनर वर्क करते हैं हम अपने यहाँ पे तभी हम फॉरगिवनेस पे आ सकते हैं। कि किसी को फॉरगिव करना भी बहुत बड़ी बात होती है। मैंने हमेशा अपने बड़ों से सुना है कि माफ़ी मांगने से ज़्यादा माफ़ी देने वाला बहुत बड़ा होता है, क्योंकि माफ़ी देना बहुत मुश्किल होती है लेकिन आपको वो प्रैक्टिस करना है और सच्चे मन से किसी को भी माफ़ करना है जिन्होंने आपके साथ में बुरा किया है, उनको माफ़ करना है आपको। आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं, एंजल्स बोल रहे हैं, नहीं आपको बोल रहे हैं आपके जो क्या बोल रहे हैं आपको, जो भी रिलीज़ का आपके मन में जो भी है, जो भी डाउट है, फियर है, रिलीज़ कीजिए। आपके पर्सन भी रिलीज़ करेंगे अपना ये जो ये मिस्टिकल बिहेवियर है ना, उनका जो पर्दा पहन के रखे है, जो कैसे बिहेव करते हैं, मिस्ट्री में बिहेव करते हैं, आपको क्लियर सिग्नल्स नहीं देते हैं, मिक्स सिग्नल्स देते हैं, वो सब भी उनका भी बंद होगा क्योंकि यूनिवर्स उनको गाइड कर रहा है ये सब चीज़ रिलीज़ करने के लिए, क्योंकि ये रिलेशनशिप का ग्रोथ तभी हो सकेगा। और वो वर्क कर रहे हैं और वो वर्क करेंगे इस पर और अपना ये मिस्टीरियस बिहेवियर को रिलीज़ करेंगे।
आपका लास्ट कार्ड है गणेश जी का, देख लेते हैं क्या फुलफिलमेंट आपकी, जो ये विश फुलफिलमेंट का कार्ड भी बोल सकते हैं। तो ये नंबर सिक्स में देखो ऐसे, तो इसमें लव के, लव में आपकी विश फुलफिलमेंट डेफिनेटली मुझे होती हुई दिखाई दे रही है। और इसमें ऐसे बोलते हैं ना, आपकी डेस्टिनी में जो लिखा है वो आपको मिलेगा। गणेश जी देखो कैसे आपकी पत्रिका देख रहे हैं, ऐसे बोल सकते हैं, लिख रहे हैं, तो आप प्रेयर्स कीजिए, डेफिनेटली आपकी डेस्टिनी लिखी जा रही है, ऐसे बोल सकते हो, ऐसे बोल, तो आपके कर्मा के बेस पे आपकी डेस्टिनी लिखी जा रही है। तो डू गुड कर्मास, आपको आपकी डेस्टिनी का रिजल्ट डेफिनेटली मिलेगा। अभी होप फ्रेंड्स आपको अच्छी लगी हो आज की रीडिंग। नेक्स्ट, अभी नेक्स्ट वाले रीडिंग करते हैं, 3, 6 और 9 वाला। 3, 6 और जिनका बर्थडेट 3, 6, 9 पे ऐड हो रहा है, और जिनका 12, 15, 18, 21, 24 और 27 पे ऐड होता है, उनका बर्थ डेट के हिसाब से मैं ये रीडिंग कर रही हूँ। फ्रेंड्स जिनका बर्थ डेट 3, 6 और 9 पे ऐड होता है ना, उनके मतलब इनको जुपिटर रूल करता है, वीनस रूल करता है और मार्स रूल करता है। कि 3 नंबर वालों को जुपिटर, 6 नंबर वालों को वीनस और 9 नंबर वालों को मार्स रूल करता है। दो 6 और 9 नंबर एकदम अपोजिट होते हैं। कि 6 नंबर वालों को वीनस रूल करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा ना मटीरियलिस्टिक थिंग्स की तरफ होते हैं, उनके लव बहुत ज़्यादा होता है उनके अंदर। 9 नंबर वालों में एनर्जी बहुत होती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। अगर वो स्पोर्ट्स की फील्ड में कुछ काम करे तो उनकी डेफिनेटली उनको उसमें सक्सेस मिलेगी, क्योंकि उनकी इस एनर्जी इतना ना पावर हाउस है वो एनर्जी का, और वो वहाँ पे अपनी एनर्जी देंगे ना तो वहाँ पे बहुत सक्सेसफुल करेंगे। या कुछ भी वर्क जिसमें बहुत है ना बॉडी का इस्तेमाल हो, जैसे बोलते हैं ना कुछ भी फिजिकल एक्सरसाइज का काम हो, उस तरह का वो काम करते हैं, डांसिंग या ऐसा कुछ भी स्पोर्ट्स रिलेटेड, तो वो उनके लिए अच्छा रहेगा। 3 नंबर वाले जो होते हैं उन पे गुरु की मेहरबानी होती है, गुरु हर तरह से उनके साथ में होता है हर वक्त, ऐसे बोल सकते हो आप। गुरु की मेहरबानी उनके ऊपर बहुत ज़्यादा होती है। आपके कार्ड से देखो, 6 ऑफ कप्स सन और 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ वैंड्स जजमेंट और ये 6 ऑफ पेंटिकल्स। आपका क्लियर आ रहा है, आपके पर्सन जो भी है वो बहुत आएंगे। 6 ऑफ कप्स का कार्ड ही होता है रिटर्न होने का कार्ड होता है पर्सन का, और ये ट्रुथ है, मतलब ट्रुथ तो है ही। आपके पर्सन भी रेजोनेट कर रहे हैं, आप प्रेयर्स में लगे हैं, या आप बहुत सालों से प्रेयर कर रहे हो आपके पर्सन का रिटर्न होने का, तो आपकी जैसे बोलते हैं दुआ कबूल होगी, ऐसे बोल सकते हो आप। दुआ 100% कबूल होगी, क्योंकि आपका सन कार्ड आ जाता है और 6 ऑफ कप्स मतलब पर्सन रिटर्न होने का ही कार्ड है। अगर सपोज किसी की बैड हेल्थ भी चल रही है अभी एट प्रेजेंट, किसी की हेल्थ में प्रॉब्लम चल रही है, हो सकता है आपके आपकी चल रही हो, आपकी पार्टनर की चल रही हो किसी की, तो ये 6 ऑफ कप्स बताता है कि आपकी हेल्थ में रिकवरी बहुत जल्दी आएगी और बहुत अच्छी हो जाएगी बहुत जल्द से जल्द। आप लोग को उसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये 7 ऑफ वैंड्स बता रहे कि आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन, उन्होंने बहुत ज़्यादा बैरियर्स क्रिएट करके रखे हैं। हो सकता है कि आपको ब्लॉक करके रखा हो, आपसे ज़्यादा बातचीत नहीं करते होंगे, लेकिन अभी ये सब चीज़ भी ख़त्म होगा, क्योंकि आपके पर्सन को जजमेंट लेना पड़ेगा अभी एक, क्यों यूनिवर्स उनको डायरेक्ट कर रहा है कि आपको एक जजमेंट लेना है अभी, और जजमेंट का वक्त आ गया है, आप डिसाइड करो आपको क्या करना है। देखो डोरबेल बजी, डेफिनेटली जजमेंट लेंगे आपके पर्सन। और देखो 6 ऑफ पेंटिकल मतलब आपके पर्सन डेफिनेटली रिलेशनशिप को बैलेंस करेंगे। आपको हो सकता है किसी के पर्सन रिटर्न हो जाए इस मंथ में, तो उनको ये ले कुछ गिफ्ट भी लेके आ सकते हैं, मुझे क्वाइट पॉसिबिलिटी लग रही है आपके पर्सन की रिटर्न बैक होने की। ये मंथ में आपके पर्सन की रिटर्न बैक हो सकते हैं, कि दोनों कार्ड स्टार्टिंग में और ये कार्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली इंडिकेट कर रहे हैं सब कार्ड कि आपके पर्सन रिटर्न हो सकते हैं, आपसे बातचीत कर सकते हैं, बहुत स्ट्रांग चांसेस है आपके पर्सन के। अभी देखते हैं इसमें आगे की एनर्जी रीड करने की कोशिश करते हैं कि आपके पर्सन की एनर्जी एट प्रेजेंट क्या चल रही है। देखो आपके पर्सन का क्या है, जॉय एंड स्टेबिलिटी, अवेटिंग रिजल्ट्स एंड हीलिंग अगेंस्ट। आप बहुत टाइम से रिजल्ट का वेट कर रहे हो, अवेटिंग रिजल्ट, आप बहुत टाइम से रिजल्ट का वेट कर रहे हो कि क्या रिजल्ट आएगा, क्या होगा मेरा फ्यूचर का, कैसे होगा, कब कब हम दोनों रियूनाइट होंगे, ये सब चीज़ आप बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हो। सपोज़ आप किसी परीक्षा का रिजल्ट का भी वेट कर रहे हो, या कोई जॉब का, या कुछ भी चीज़ का आप वेट कर रहे हो, जॉब या बिजनेस स्टार्ट करने का, उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आएगा, क्योंकि जॉय एंड स्टेबिलिटी कार्ड आ रहा है, तो डेफिनेटली आपको उसमें सक्सेस 100% मिलेगी। ये 4 है, ये परमानेंट रिलेशनशिप होगा अगर रिलेशनशिप की बात करूँ तो, और अगर है ना बिजनेस की या जॉब की बात करूँ तो ये भी परमानेंट होगी आपकी, ये मैं आपको डेफिनेटली बोल रही हूँ, क्योंकि आपकी हीलिंग स्टार्ट हो चुकी है, आपके पर्सन की हीलिंग स्टार्ट हो चुकी है। यूनिवर्स आप लोग को जो गम है, वो जो बहुत सालों से आपके दिल में घाव लगे हुए थे,
वो आपके घाव धीरे धीरे अभी ऐसे बोल सकते हो कि भर रहे हैं, सूख रहे हैं, तो उसकी वजह से भी आपकी लाइफ में जॉय एंड स्टेबिलिटी आएंगी, क्योंकि अपने बहुत आपको हीलिंग करने में भी बहुत वक्त लगा है खुद को, ऐसे नहीं कि एक ही दिन में हील हो गया, काफ़ी टाइम से आप अपने आप को हीलिंग प्रोसेस में लग रहे हो, इनर वर्क कर रहे हो, तो ये सब चीज़ आपका रिजल्ट दिखाएगी और आपके जॉय एंड स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आते हुए दिख रहे हैं, चाहे लव के थ्रू आओ या चाहे ना बस जॉब के थ्रू आओ या मनी के थ्रू आओ, कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में अबंडेंस मुझे आते हुए दिख रहा है और बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस आपके पर्सन के रिटर्न होने का ऐसे मुझे लग रहा है। आपका देखो सैक्रल चक्र, हो सकता है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अभी सेक्सुअली मिस कर रहे होंगे आपको, ये भी पॉसिबिलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है, या हो सकता है कि आप या आपके पर्सन बहुत क्रिएटिव हो और क्रिएटिव फील्ड में लगे हो, या 369 वाले नंबर बहुत ज़्यादा क्रिएटिव भी बहुत होते हैं, उनके में क्रिएटिव आइडियाज़ भर भर के होती है ऐसे बोल सकते हो, तो हो सकता है आपकी क्रिएटिविटी निकल के बाहर सामने आए और आपके लिए एक नया डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, मैं कंटिन्यूस बोल रही हूँ, ये जो ग्रुप है इनके लिए जॉय एंड स्टेबिलिटी कंटिन्यूस आ रहा है, उनका सिक्स ऑफ कप्स और ये सन कार्ड बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोमिनेंट आ रहा है और ये डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, मतलब ऑल कार्ड्स बहुत ओपन, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड है। आपके पर्सन डेफिनेटली एक थिंकिंग पर्सन है, वो सोच रहे एक्शन लेने का, वो देख रहे दिस देख सकते हो किस तरह से सोच रहे एक्शन लेने का, इनके हाथ में क्रिस्टल है, वो उनको पता है उनको कब एक्शन लेना है, आपके पर्सन बहुत स्ट्रांगली वेट कर रहे हैं एक्शन लेने का, वो एक्शन लेने का सोच रहे हैं आपके पर्सन। अब ये कार्ड देखते हैं इसमें क्या कॉन्शियस, आपके पर्सन ना विक्टिम मेंटेलिटी में बहुत ज़्यादा रह चुके हैं, या हो सकता है आप बहुत ज़्यादा विक्टिम मेंटेलिटी में रह चुके हो कि हमेशा कि मेरे साथ में ऐसा क्यों होता है या मुझे ऐसे क्यों किया जाता है, ये मुझे डेफिनेटली लगता है आप लोग बहुत ज़्यादा विक्टिम मेंटेलिटी का कार्ड प्ले करते हो सकता है आपके पर्सन पे बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस हो फैमिली का या थर्ड पार्टी का, तो वो बहुत ज़्यादा विक्टिम मुझे लगता है प्ले करते होंगे, लेकिन अभी वो क्या बहुत सेफ प्ले कर रहे हैं, अभी बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा आपको ओपनली नहीं बता रहे सब कुछ, अगर बताएंगे तो बहुत ओपनली बताते हुए थोड़ा उनको डर लग रहा है, लेकिन प्लेइंग इट सेफ। देखो ये पर्सन को दिख रहा है कि यहाँ पे कैसे है ना, दिख रहे आप कैसे वो सब स्टार्स हो रहे हैं, वो सब आ रहे हैं, वो खुशियाँ बन रही है, वो क्या लेकिन बहुत सेफली प्ले करोगे, हो सकता है कि आप बहुत सेफली प्ले करो, जब वो पर्सन आए आप उनको इतना दिखाने की कोशिश नहीं करो, अपनी खुशियों को थोड़ा छुपा के रखो, क्योंकि ये पर्सन डेफिनेटली आ रहा है लविंग में, दिख रहे किस तरह से इंसान फ्लावर्स लेके रखा है, ये पर्सन डेफिनेटली जो भी है आपकी लाइफ में ये आ रहे हैं आप। हेलो हेलो फ्रेंड्स, सॉरी वो जो वीडियो था उसमें ब्रेक आ गया, इसलिए मैं सेकेंड पार्ट का रीडिंग आधा रीडिंग वापस वो बता रही हूँ कि आपके पर्सन डेफिनेटली आ रहे हैं, सेकेंड जो उनका बर्थडे 369 पे ऐड हो रहा है, उनके पर्सन डेफिनेटली आ रहे हैं, क्योंकि उनके पर्सन की एनर्जी आप देखो प्लेफुलनेस, दिस कुड बी द वन एंड पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, ये डेफिनेटली आपके पर्सन आ रहे हैं और ये आपका पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है और दिस कुड बी द वन क्लियरली शो करते हैं ये आपके ही पर्सन है और आपके साथ में ही रहेंगे, ये डेफिनेटली श्योर है, ये आपके साथ में आपके पर्सन रहेंगे डेफिनेटली, ये फॉर श्योर है, ये आपके पर्सन, ये दिस इज आपका पास्ट लाइफ रिलेशन, ट्विन फ्लेम रिलेशन, सोलमेट रिलेशन, ये भी आप बोल सकते हो, बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। देखो मैं आपको बोले इन द न्यू ईयर फ्यूचर, आपका आंसर ही आ रहा है, एंजल्स ही आपको बता रहे हैं इन द न्यू ईयर फ्यूचर येस एंड बिग हैप्पी चेंजेस, आपके कार्ड्स बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है इन द न्यू ईयर फ्यूचर, बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है, आपके पर्सन डेफिनेटली आ रहे हैं और बिग हैप्पी चेंजेस बोलते हैं एक बहुत हैप्पी चेंज आपकी लाइफ में मुझे होते हुए दिखाई दे रहा है, आप बहुत ज़्यादा इन्जॉय करोगे इस चेंज को और बहुत ज़्यादा अच्छा फील करोगे, ये डेफिनेटली फॉर श्योर है, क्योंकि आपके कार्ड्स हर तरह से पॉजिटिव आ रहे हैं, क्योंकि आपके बोल रहे ना इंसान कि आपके हर चीज़ पॉजिटिव है, आपके जितने भी कार्ड्स ये जो 369 के खुले जिनके बर्थडे 369 12 15 18 21 24 27 उनके हर चीज़ बहुत एकदम इन द नियर फ्यूचर, उनके पार्टनर उनके लव लाइफ उनके आ रहा है, क्योंकि एंजल्स येस बोल रहे हैं और हैवी हैप्पी चेंजेस डेफिनेटली मुझे दिखाई दे रहे हैं, आपको भी एंजल्स बोल रहे हैं आप फॉरगिवनेस की एनर्जी में आ जाइए, फॉरगिव करना बहुत डिफिकल्ट है लेकिन फॉरगिव करना चाहिए, बोलते ना हमारे एंसेस्टर हमको वो बोलते थे कि ना माफ़ी दे मांगने से वाला बड़ा माफ़ी देने वाला होता है, तो आप माफ़ी देने वाले बनिए, क्योंकि फॉरगिवनेस एक दिन में नहीं आती है, बहुत प्रैक्टिस करके आती है, तो जिन्होंने भी आपके साथ में बुरा किया उनको माफ़ कर दीजिए, दिल से माफ़ कर दीजिए, आपको गॉड बोल रहे हैं आपने बहुत ज़्यादा परसिवरेंस रखा है, बहुत ज़्यादा मेहनत की है, तो आपका मेहनत का फल आपको डेफिनेटली मिलेगा,
जिन्होंने बहुत साल से तपस्या की है ना, उनका फल उनको अभी मिलने का वक्त आ गया, ऐसे बोल सकते हो, एक तरह से रियूनियन बोल सकते हो। आपका बार बार आ रहा है कि सोलमेट या आपके ट्विन फ्लेम, जो भी है ये पर्सन आपके सोलमेट या ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, या प्रेयर, आपकी प्रेयर डेफिनेटली आंसर होगी। मैं आपको बोल देती हूँ, आपकी प्रेयर डेफिनेटली आंसर होगी, क्योंकि जॉय आपके कार्ड में लिखा है। जॉय जॉय मतलब आपके लाइफ में आगे डेफिनेटली हैप्पीनेस है, मैरिज है, लव है, अबंडेंस है, ये डेफिनेटली मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपके सोलमेट या आपके ट्विन फ्लेम डेफिनेटली आपकी लाइफ में रिटर्न हो रहे हैं, ये फॉर श्योर है। फ्रेंड्स सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, आपको जो प्रॉब्लम हो रही है उसके लिए सॉरी, मेरा रिकॉर्डिंग बीच में स्टॉप हो गया था तो मैं वापस रीडिंग नहीं कर रही हूँ, क्योंकि इतना टाइम नहीं है, तो जो रीडिंग हो रही है वैसे ही कर रही हूँ। अभी जो जिनका बर्थ डेट है 5/5/8/14/17/23 और 26, उनकी रीडिंग मैं अभी कर रही हूँ। ओके फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन। आपका फर्स्ट कार्ड है 8 ऑफ सॉर्ड्स एम्परर और फूल, 6 ऑफ वैंड्स लवर्स और 5 ऑफ कप्स। बहुत अच्छे कार्ड्स खुले हैं, बहुत ही अच्छे कार्ड्स खुले हैं, जो जिनके जो लोग को अब रास्ता नहीं दिखाई दे रहा आगे कि हमारे पार्टनर आएंगे कि नहीं आएंगे। आप इस तरह की पोजीशन में क्यों, आप बंधे हुए हो, आपकी आंख पे पट्टी बंधी है, आपको दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन आपके पर्सन डेफिनेटली आ रहे हैं आपको फ्री करने के लिए, आपको ले जाने के लिए, क्योंकि वो एम्परर है, वो थोड़े अपनी पावर में आ रहे हैं पर्सन, ऐसे बोल सकते हो। डेफिनेटली पर्सन बहुत ज़्यादा ही ढीठ किस्म के है, ऐसे बोल सकते हो, ढीठ किस्म के हैं, लेकिन ये पर्सन आपकी लाइफ में डेफिनेटली वापस आ रहे हैं एक न्यू बिगनिंग करने के लिए, न्यू बिगनिंग करने के लिए, एक नई शुरुआत करने के लिए आपकी लाइफ में, क्योंकि 6 ऑफ वैंड्स, इन 6 ऑफ वैंड्स कार्ड होता है पूरे समाज में या दुनिया के सामने आपको लीगली एक्सेप्ट करना, तो ये मुझे डेफिनेटली दिखते हुए, क्योंकि ये लवर्स कार्ड खुल रहा है। लवर्स कार्ड खुलने का मतलब ही है कि आप लोग का एक बहुत स्ट्रांग कनेक्शन है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, आप लोग दोनों एक बोल सकते हो सोलमेट, ट्विन फ्लेम, जो भी बोलना है आप वो बोल सकते हो, आप लोग दोनों हैं और वो आपके पर्सन आ रहे हैं। बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स है, मतलब एम्परर मतलब ये पर्सन अपने पावर में आ रहे हैं, इनके पास करेज नहीं था तो वो करेज इनके पास आ रहा है, ये एक नई रिलेशनशिप की शुरुआत मुझे होते हुए दिखाई दे रही है, आपको सबके सामने एक्सेप्ट करते हुए या आप उनको सबके सामने एक्सेप्ट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। ये रिलेशनशिप एक नेक्स्ट लेवल पे जाते हुए दिख रहा है। आपके पर्सन को डेफिनेटली गिल्टीनेस अभी भी बहुत है, उन्होंने जो आपके साथ में बुरा किया या आपके साथ में पास्ट में बहुत बैड बिहेव किया, वो चीज़ उनके में अभी भी वो एनर्जी थोड़ी बहुत है कि अभी भी वो बहुत ज़्यादा गिल्टीनेस में है, आपके पर्सन वो गिल्टी फील कर रहे हैं, लेकिन ये कार्ड्स बहुत ज़्यादा अच्छे आए हैं, बहुत अच्छा सजेस्ट कर रहे हैं कि आपके पर्सन बहुत अच्छी एनर्जी में है। वो आते हुए मुझे दिखा, काफ़ी लोगों का मुझे दिख रहा है इस बार रियूनियन होते हुए। 369 नंबर वालों का भी मुझे बहुत अच्छे कार्ड आए थे, उनके पार्टनर भी मुझे आते हुए दिख रहे हैं, और ये नंबर के 5 और 8 नंबर वाले के भी बहुत स्ट्रांग पॉसिबिलिटी आते हुए की। वाई गॉड, बहुत ही अच्छे कार्ड आ रहे हैं। देखो आपके पर्सन डेफिनेटली आपको मैं बार बार बोल रही हूँ, आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि क्या होने वाला है, आपके आँख पे पट्टी बंध रहा है, आपको एंड मोमेंट तक लगेगा कि मैं पसंद नहीं आ रही, जब तक वो आके आपको बोलेंगे नहीं तब तक आपको यकीन नहीं होगा, क्योंकि आपको दिखाई नहीं दे रहा, आप रिफ्यूजिंग टू सी, ऐसे बोल सकते हैं, आप देखना नहीं चाहते हो वो सच्चाई को, आपको दिखाई नहीं दे रहा है। हो सकता है आपके पर्सन को भी पहले दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन अभी वो उन्होंने आंसर्स, जैसे बोलते हैं ना, मेडिटेशन करके या जो भी जो अपने ध्यान से या उनका इंट्यूशन पावर स्ट्रांग होने की वजह से, ये पर्सन को अभी सच्चाई दिखाई दे रही है और उनको समझ में आ रहा है क्या राइट है क्या रॉन्ग है, उनको सच्चाई दिखाई दे रही है। ये पर्सन के सामने सच्चाई बोलते हैं दुनिया या भगवान ने उनके लिए रास्ता खोल रहे हैं। पहले इनके टू माइंड्स में रहते थे हमेशा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, हमेशा टू माइंड्स में रहते थे, अभी लेकिन उनको यूनिवर्स रास्ता खोल रही है उनके लिए, उनको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि क्या है आगे और क्या नहीं है, तो वो उनको डेफिनेटली क्लियरली दिखाई दे रहा है पाथ अपना, और वो अपना एक्शन लेंगे, ये पर्सन जो है वो एक्शन लेंगे। 5/8 नंबर जिनका बर्थ डेट ऐड होता है, जो सन कार्ड आ रहा है, एंजल ऑफ बैलेंस आ रहा है और फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, पहले जो पर्सन आपके पास नहीं आ रहे थे या उनके पास बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट था, हो सकता है फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट हो इसकी वजह से आपके पास आए, ये भी क्वाइट पॉसिबिलिटी है। मुझे ऐसे लग रहा है कि ये पर्सन डेफिनेटली रिश्ते में बैलेंस लाना चाहते हैं, ये रिश्ते को बैलेंस करना चाहते हैं, एक नेम देना चाहते हैं, एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देना चाहते हैं, क्योंकि ये सन कार्ड आ रहा है, कम्प्लीटली सन कार्ड आ रहा है, तो सन कार्ड तो सजेस्ट करता ही है कि ये ना ये एक रिलेशनशिप में नो तो सवाल है ही नहीं, सन उल्टा भी उलता है तो हम उसको पॉजिटिव ही लेते हैं,
ये तो फिर भी है ना सीधा खुला है, तो इसमें डेफिनेटली मुझे आपकी लाइफ में आपकी जो विश फुलफिलमेंट है, जो आपकी आप चाहते थे कि आपके पार्टनर आ जाए आपके पास, तो ये एक स्ट्रांग पॉसिबिलिटी मुझे लग रही है आपके पार्टनर की आपकी तरफ रिटर्न होने की और आपके तरफ आने की, मुझे स्ट्रांग पॉसिबिलिटीज़ दिखाई दे रही है। अभी मैं एक दूसरे कार्ड्स भी खोल लेती हूँ ये आपके पर्सन के। इंक्रीज, हाँ मैं बोल रही हूँ आपके कार्ड्स इतने अच्छे आ रहे हैं, 5 और 8 निकल, आपका इंक्रीज, आपका जो बोलते हैं ना आपके पर्सन को पाथ क्लियरली दिखाई दे रहा है, और आपका है ना ये आपका हैप्पी सक्सेस में इंक्रीज होने वाली, ऐसे बोलते हैं जॉयस फन हैप्पी सक्सेस एंड इंक्रीज आपकी लाइफ में, ऐसे बोलते हैं ना लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, शादी, बच्चा, ये सब मुझे होते हुए दिखाई दे रहा है, आपकी लाइफ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रही है, बोलते हैं इस तरह की एनर्जी अभी एट प्रेजेंट चल रही है आपके पर्सन की। आपके पर्सन को पता है मेरी सक्सेस कहाँ पे, आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी रिलेशनशिप में। अगर आप अपने पर्सन का वेट कर रहे हो बहुत टाइम से, और आपके आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आएंगे, और अगर आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि जो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं उनके लाइफ में मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहे आते हुए पर्सन, और डेफिनेटली इंक्रीजिंग ये साइकिल है आपको, ये आपका साइकिल इंक्रीज मतलब आपके आपके घर में खुशियाँ, हैप्पीनेस, जो बोलते हैं जो आप चाहते हो ना वो यूनिवर्स आपको देने को तैयार है। आपके बहुत ही ब्रिलियंट कार्ड्स खुले, ऐसे बोलते ब्रिलियंट बोलते ना ब्रिलियंट, अभी आपके कार्ड्स अगर ये खोलते, ये कौन से खुले हैं, सेल्फ वर्थ, फॉरगिवनेस एंड डेस्टिनी। आज बहुत ही कमाल की एक बात हो रही है, जो जो इतनी भी रीडिंग की है उसमें सबसे ये कार्ड क्या खुल रहा है, कंटिन्यूस फॉरगिवनेस का कार्ड खुल रहा है। फॉरगिवनेस यूनिवर्स आपको क्या बोल रहा है कि आप फॉरगेट एंड फॉरगिव कर दो जिन्होंने भी आपके साथ में बुरा किया है। अगर आपके पर्सन ने भी आपके साथ में गलत किया है तो आप उसको फॉरगिव कर दीजिए। मैं तीनों में एक ही बात बोल रही थी कंटिन्यूस, आज मैं भी बोलूँगी कि हमारे एंसेस्टर, मेरे मेरे फादर हमेशा बोलते थे कि माफ़ी मांगने से बड़ा माफ़ी देने वाला होता है, क्योंकि माफ़ करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि हमारे साथ में इतना बुरा हुआ होता है कि वो घाव हमारे दिल पे लग जाते हैं, तो हम किसी को माफ़ नहीं कर पाते दिल से, तो वो माफ़ी करना बहुत ज़रूरी है। खुद को हील कीजिए तभी आप दूसरों को फॉरगिव कर पाएंगे, तो आप डेफिनेटली फॉरगिव कर दीजिए, और अपनी आपकी सेल्फ वर्थ बोलते हैं ना आपकी जो जो आपको जो जो, जो आप कुर्सी का वेट कर रहे थे या जो पावर का वेट कर रहे थे वो आपको डेफिनेटली मिलेगा। आपका सेल्फ वर्थ आपको पता चलेगा कि आप कितने अच्छे हो, कितने इंपॉर्टेंट हो उस पर्सन के लिए, आपको डेफिनेटली पता चलेगा, क्योंकि ये पर्सन आपकी डेस्टिनी में है। आपका डेस्टिनी कार्ड खुल रहा है, आपके 10 ऑफ व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड भी बोल सकते हैं, ये पर्सन आपकी डेस्टिनी में है और ये डेफिनेटली आएंगे, तो आप जरा भी डाउट मत रखिए कि पर्सन नहीं आएंगे। ये कार्ड बहुत ही पॉजिटिव खुल है, बहुत ही पॉजिटिव। आपका बार बार फॉरगेट एंड फॉरगिविंग, आपका अनरिक्यूटेड, आपको बार बार बहुत ज़्यादा जो धोखा हुआ है ना उसके वजह से आप बहुत ज़्यादा घाव लेके बैठे हो दिल के अंदर, तो लेकिन आपको क्या बोल रहे हैं यूनिवर्स बार बार, फॉरगिविंग एंड लर्निंग, आपको लर्न करना पड़ेगा फॉरगिव करने के लिए। आपके पर्सन आके इस तरह से आपके अपने रोएंगे हो सकते, तो आपको उनको फॉरगिव करना पड़ेगा। मुझे पता है बहुत ज़्यादा उन्होंने आपको बहुत गलत गलत शब्द बोले होंगे या बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट किया होगा आपका, लेकिन आपको वो सब चीज़ फॉरगेट एंड फॉरगिव करना पड़ेगा, और आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा उनको। आपको जो ट्रस्ट इश्यूज है वो ट्रस्ट आपको वो फिर से वो एस्टेब्लिश करेंगे, वो भी मेहनत करेंगे वो ट्रस्ट आपका वापस गेन करने के लिए, तभी आप ट्रस्ट करना। मैं नहीं बोलती हूँ आप आते उन पे ट्रस्ट करो, आप उनको ट्रस्ट गेन करने के लिए उनको मेहनत करने दो, और आप उनको तब फॉरगेट एंड फॉरगिव एक चांस जरूर देना, फॉरगेट एंड फॉरगिवनेस का। आपको एंजल्स बोल रहे हैं आपका रोमांस देखो, परफेक्ट टाइमिंग, यू आर रेडी, माय गॉड दिस इज सो ब्रिलियंट, और रोमांस आपका रोमांस स्टार्ट होने वाला, क्योंकि आपका परफेक्ट टाइमिंग, डिवाइन टाइमिंग बोलते हैं ना, एक डिवाइन टाइमिंग होती है, तो वो आपकी टाइमिंग आ गई है, आपका रोमांस स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि यू बोथ आर रेडी। बोथ आर रेडी मतलब आप पहले कब का सबकॉन्शियस माइंड में इंसान के होता है कि होगा नहीं होगा, वो एक ब्लॉकेज होता है, वो आप लोग निकाल चुके हो, अभी हील कर चुके हो, आपको पता है कि हाँ आई एम रेडी। आप खुद को बोलो आई एम रेडी फॉर दिस रिलेशनशिप, कंटिन्यूस बोले, क्योंकि आपको रिन्यूअस रेडी कर रहा है, आपकी डिवाइन टाइमिंग, परफेक्ट टाइमिंग आ गई है रोमांस की, रिलेशनशिप की। बहुत मतलब सबसे अच्छे कार्ड्स यही खुले मुझे लग रहा है आज के डेक में, सबसे अच्छे कार्ड्स यही खुले, मेडिटेशन और कैपेसिटी टू लव। आपको मेडिटेशन करने के लिए यूनिवर्स बोल रहा है, आपके पर्सन भी हो सकते हैं बहुत लव आपको क्या मेडिटेशन कर रहे होंगे, और कैपेसिटी टू लव मतलब आपको इतना प्यार देने वाले हैं आपके पर्सन कि जितनी कैपेसिटी आप लेने की नहीं होगी उतने ज़्यादा आपको प्यार करने वाले आपके पर्सन।
इतना प्यार आपको मिलने वाला, हो सकता है आप भी अपने पर्सन को इतना ही इक्वली प्यार अपने पर्सन को करो। ओके फ्रेंड्स, आपको रीडिंग कैसी लगी हो जरूर बताना, बहुत अच्छे कार्ड्स खुले हैं। और 5 नंबर 8 नंबर की मैंने क्वालिटी स्टार्टिंग में बताना भूल गई थी, 5 नंबर और 8 नंबर, 5 नंबर ऐसा नंबर होता है जो सबसे जेल करता है, मतलब वो उनका जो भी 1 to 4 नंबर वाले से भी मैच करता है और उनका 6 to 8 9 नंबर वालों से भी मैच कर सकता है। बहुत ही अच्छे नंबर के होते हैं और कम्युनिकेशन में बहुत अच्छे होते हैं 5 नंबर वाले। और 8 नंबर के जो होते हैं उनको शनि रूल करता है, लेकिन इनको स्टार्टिंग की लाइफ कैसे 8 नंबर कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर से ना 8 8 होता ना ऊपर नीचे, जैसे ऊपर नीचे उनकी लाइफ चलती रहती है। लेकिन इनका शनि, पता नहीं जब इनका शनि का गुड फेज़ आता है ना तो इनकी लाइफ इतनी अपवर्ड स्विंग में जाती है, इतना अच्छा, क्योंकि शनि जब देता है ना तो छप्पर फाड़ के देता है, तो इनकी लाइफ में उस तरह का होता है 8 नंबर वालों के लिए। ओके फ्रेंड्स, आप लोगों को कैसे लगा ये न्यूमरोलॉजी बेस्ड, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स एंड लॉट, लव यू ऑल।